तो जी शिकारगाह पे पहुंच गए, वही ब्लैक विंग बैठे हुए हैं, हसबे मामूल ये बैठे हुए हैं। आज हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है, फिर इनकी ट्राई करता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ फायर इनका। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डरे हुए हैं काफ़ी, थोड़ा सा हमें तेज़ तेज़ भी जाना पड़ेगा और छुप के भी जाना पड़ेगा। ये मेरे करीब बैठे हैं ये वाले, अब जो है ना ब्लैक में हो गए हैं दो हिस्सों में डिवाइड। इस तरफ वाले भी ठीक बैठे हैं, इतना ज़्यादा नहीं गिरेंगे यहाँ पे। पाँच छः गिरेंगे मैक्सिमम। यहाँ पे ठीक बैठे हैं सर, इन्हीं को हिट कर रहा हूँ मैं। चल इनको अच्छा हिट हुआ, माशाल्लाह। आ जाओ फान, आ जाओ। इनको तो अच्छा हिट हो गया माशाल्लाह। भाग के आओ फान, भाग के आओ। पहले हम वो देखेंगे जो विंग हो गए, पहले हम लोग अच्छा खासा स्कोर लगा है माशाल्लाह। भाग के आओ जल्दी, भाग के आओ। उसको देखना, वो जा रहा है, वो जा रहा है। जल्दी आ जाओ फान, तलवार ऊपर करके आ जाओ। एक सिरे से स्टार्ट करते हैं फिर इनको उठाना। बिस्मिल्लाह पढ़ के छोटी, ये रही हमारी एक स्नाइपर, एक ये भी पड़ी हुई है। वाह, ये भी ग्रुप में आई है। चलो ये भी आ गई। अफान उठाओ वो इनको, या ये गन पकड़ो आप। एक वो भाग रहा है, ये पकड़ो, इसको लेके जाओ पापा की तरफ, मैं इनको पकड़ता हूँ। चलो ये बिस्मिल्लाह करते हैं। दो छोटी जो है ना स्नाइपर मैंने भेज दी है, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है। इसको देखते हैं, डुबकी लगा रहे। चल आ जाओ, आ गया फिर पीछे। आप आ जाए ना भैया जी, आप आ जाए यहाँ पे, आ जाए जूता उतार के आ जाए यहाँ पे। ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है। रात हो गए माशाल्लाह।
आप आ जाएं 2 मिनट के लिए, आगे आ जाएं। ये पड़ा हुआ है, ये जा रहे हैं तैरते तैरते, अच्छा खासा स्कोर लगा है माशाल्लाह। फिर और लेके जाता, ये जा रहे एक, ये पड़ा हुआ है, इसको देखिएगा, पहले मैं इसको लेके आता हूँ। राजा चलो आ गया, अफान को एक फ्लैग विंग ने सही तंग किया हुआ है भाई, कर रहे इनको सेवा, ये ले ये जिंदा है, पर इसको दे रहे हैं, ये भाग जाएगा। वो अफान को जलील की दीवार देख, अभी भी एक ये पड़ा हुआ है, 3 ये 2 हुए, थक गए हूँ फुल, माशाल्लाह अच्छा खासा स्कोर लगाया आज। देखिए फायर से थक भी फुल गया, तो मैं जल्दी थक जाता हूँ, ये ले 3 ये भी, ये उठा लेना थोड़ा सा आगे होके, पानी गहरा है यहाँ पे भाई, स्टिक के साथ उठा दो ना यार, ये ले ये भाग जा रहा है हवा से, आ जा यार, एक ये रहा, तकरीबन मैंने सारे उठा लिए, अभी एक अफान की तरफ है और अफान, इसको देखते हैं, ये ले जी, एक वहाँ पड़ा हुआ है, थोड़ा सांस ले लूँ फिर जाता हूँ, फुल हालत ख़राब हो गई है, अभी भी पानी के अंदर कुछ पड़े हुए हैं, एक उस तरफ है, एक इस तरफ है, चलो इस वाले को पहले ले आता हूँ, उस वाले को फिर बाद में ले आता हूँ, फिर आपको प्रॉपर स्कोर गिन ले आओ ना यार, ये देखिए माशाल्लाह 17 माशाल्लाह 17 वन डाउन, एक फायर से 17 ये आ गए जो हमारे हाथ में है माशाल्लाह से, दो अफान के पास हैं छोटी, एक यहाँ से लेने जा रहा हूँ, एक वहाँ से वो जा रहे हैं उसको पकड़ने, मतलब 17, 19 और 21 एक ही फायर का स्कोर, 21 ब्लैक में, वाव, ये मैं लास्ट वीडियो में भी कोशिश कर रहा था कि ऐसा ही फायर हिट हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट वीडियो में हमें चांस नहीं मिल पाया, ये ले इसको सेवा करें, हाँ मैं जो है ना उसको देख के आता हूँ, वो बैठा हुआ जी, एक जिम्मेदार शिकारी होने के नाते हम अपना शिकार ज़ाया नहीं करेंगे, इसको पहले हम पकड़ेंगे, उड़ने के लिए बड़े तेज भागते हैं, ये जब ये विंग हो जाते हैं बड़े तेज भागते हैं, लेकिन पर टूटे हुए ना भाग नहीं पा रहा, अब ये डुबकी लगाने की कोशिश कर रहा है, वाह ब्यूटीफुल ज़बरदस्त, चलो फिर आपको जैसे तरतीब लगा के स्कोर दिखाता हूँ हमेशा, ये जी हमारा डिस्प्ले तैयार हो रहा है माशाल्लाह, भाई कर रहे हैं डिस्प्ले तैयार, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर जी, क्या स्कोर होगा? अल्हम्दुलिल्लाह।
का 21 का स्कोर है जी आज माशाल्लाह। एक ही फायर पे अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये बहुत हाईएस्ट स्कोर है हमारा। एग्जैक्टली ऐसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे सीजन में हमने ना इतनी बड़ा स्कोर नहीं किया एक ही फायर से। बिल्कुल, मैंने लास्ट वीडियो में तकरीबन 28 परिंदे हाईएस्ट स्कोर हिट किए थे और उसमें तकरीबन हमने 5 फायर हिट किए थे, और ये आज है ना 21 डाउन हुए हैं भाई एक ही फायर से। हजूम अच्छा था, क्वांटिटी अच्छी थी। मैं पहले भी आया था इनके पास, लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली पहले जो है ना चांस नहीं मिल पाया था अच्छा। ये देखें पूरा डिस्प्ले 21 का स्कोर, आफान वहाँ पर फ्रेश हो रहा है। ये हमारा एरिया, यहाँ पे हम पहुँचते हैं तकरीबन 35 मिनट का सफ़र करके, 35 से 40 मिनट लगते हैं हमें यहाँ पहुँचने में हमारी शिकार का। अभी वैसे हमारे शिकार का कम हो गई है, पानी वगैरह सूख गया तकरीबन, जितनी भी था यहाँ पे बहुत कम पानी है अभी बाकी जो बचा हुआ है, और परिंदे वगैरह भी नहीं है अब। डक्स तो बिल्कुल ख़त्म हो गई क्योंकि माइग्रेशन का वक्त स्टार्ट हो गया, अब डक्स वगैरह जो है ना माइग्रेशन स्टार्ट करेंगी, अब नकल मकानी करेंगी दोबारा वापसी पहाड़ी इलाके की तरफ साइबेरियन झीलों में, वहाँ पे जो है ना ब्रीडिंग स्टार्ट करेंगी अभी क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न भी स्टार्ट होने वाला है। तो ये लोकल बर्ड्स होते हैं जो यहीं पर रह जाते हैं, ये पूरा साल यहीं पर रहते हैं। चलें, होप यू गाइज इन्जॉय, मैंने तो बहुत इन्जॉय किया ये शॉट, अलहमदिल्ला अच्छा शॉट था। थैंक यू सो मच, इसी तरीके से देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।